आज हम चलते हैं कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, जहां जमीन खत्म होती है और विशाल समंदर शुरू। कन्याकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत जगह, यहीं पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, रंगों और धाराओं का एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति आपस में मिलते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बहुत फेमस है। यहां का हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक अनोखा अनुभव है, एक ऐसा नजारा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहां की सुंदरता आपको हर बार नए रंगों से चौंका देगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी से सूरज उगता है, आसमान रंगों से भर जाता है। यह दृश्य आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, प्रकृति द्वारा बनाया गया एक कैनवास, यह रंगों का खेल आपको हर बार मोहित कर देगा। और जैसे ही अरब सागर पर सूरज डूबता है, यह आसमान को सोने और लाल रंग से रंग देता है। यह दृश्य आपको शांति और सुकून का एहसास कराएगा, एक जादुई दिन का एक शानदार अंत। यह पल आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त। कन्याकुमारी एक ऐसा नजारा दिखाने का वादा करता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यहां का हर पल एक नई कहानी कहता है। दो फेमस लैंडमार्क्स कन्याकुमारी के स्काईलाइन पर डोमिनेट करते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। महान आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि। एक छोटे से द्वीप पर स्थित यह शांति और ध्यान का प्रतीक है। और फिर तिरुवल्लुवर की मूर्ति है, जो तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को एक विशाल श्रद्धांजलि है। 133 फीट ऊंची यह मूर्ति तमिल संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। सेक्शन 4, थ्री सीज मीट अ सॉल्टी सिंफनी। जरा सोचो दोस्तों, भारत के किनारे पर खड़े होकर जहां तीन समुद्र मिलते हैं, तीन विशाल समुद्रों के पानी को आपस में मिलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों का संगम, एक ऐसा नजारा जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला और विनम्र बनाने वाला दोनों है। यह दृश्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप वास्तव में पानी के अलग अलग रंगों को देख सकते हैं जहां वे मिलते हैं। यह दृश्य अद्वितीय है, प्रकृति का एक सच्चा अजूबा जो आपको दंग कर देगा। यह नजारा आपको प्रकृति की शक्ति का एहसास कराएगा। यह संगम हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र स्थान है, जहां वे आकर पूजा करते हैं, जो कन्याकुमारी के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। यहां की धार्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का संगम अद्वितीय है। सेक्शन 5, हिस्ट्री विस्पर्स, स्टोरीज ऑफ कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। यह स्थान सदियों से कई कहानियों का गवाह रहा है। किंवदंती है कि पार्वती के अवतार देवी कन्याकुमारी ने यहां तपस्या की थी। उनकी तपस्या की गाथा आज भी यहां की हवाओं में गूंजती है। उनका मंदिर कन्याकुमारी अम्मन मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है, जो संस्कृति और विरासत की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। हर कोने में इतिहास की झलक मिलती है। चोलों से लेकर पांड्यों तक, नायकों तक, हर राजवंश ने कन्याकुमारी पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी स्थापत्य कला की किस असलाई भी बुसर अद्वितीय है। वास्तुकला, भोजन, परंपराएं, सभी इतिहास और संस्कृति से भरपूर भूमि की कहानी कहते हैं। यहां का हर अनुभव अद्वितीय है। कन्याकुमारी की यात्रा स्वयं समय की यात्रा है। यहां का हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। सेक्शन 6, कन्याकुमारी कॉलिंग, कम फॉर द ब्यूटी, स्टे फॉर द मैजिक। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह
जहां सूरज समुद्र को चूमता है, जहां हवा में इतिहास फुसफुसाता है और जहां संस्कृति उतनी ही जीवंत है जितनी सूर्यास्त किरण। तो मेरे दोस्तों, अपना बैग पैक करो, कन्याकुमारी आओ, जादू का अनुभव खुद करो और अगली बार तक खोजते रहो, सोचते रहो।